पेपर एनालिसिस में आज का टॉपिक है लिमिट, जैसा कि आपको दिख रहा है लिमिट एक इम्पॉर्टेंट टॉपिक है, और 2008 में आए हुए इम्पॉर्टेंट क्वेश्चंस को, जेएनयू में आए हुए क्वेश्चंस को हम लोग डिस्कस करेंगे। 2004 का भी हम लोग पहला पार्ट अपलोड कर चुके हैं, उसको आप देख लें। 2006 के आज सारे क्वेश्चंस डिस्कस करेंगे, बने रहिए लास्ट तक। देखते हैं एक वन बाई वन इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन सबसे पहले आएंगे, फिर धीमे धीमे, और लास्ट में भी इम्पॉर्टेंट ही होगा, इसका मतलब ये नहीं कि लास्ट में इम्पॉर्टेंट नहीं, ठीक है। लिमिट का क्वेश्चन बहुत ही इजी क्वेश्चन है, बहुत बार आता है, मतलब अगर चाहें तो मुझे तो लगता है ये आंसर ही सही होगा, आंसर तक याद है। देखते हैं बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस को अगले स्टेप में। केवल और केवल क्या करना है आपको, एक्सपेंशन करना है समेशन को देखकर, समेशन का समेशन जहाँ भी आता है तो बहुत सारे स्टूडेंट पता नहीं क्या होता है कि अब जो भी आप समझ लो एक्स एक्स स्क्वायर, भाई सिंपल है कि भाई समेशन का मतलब है कि एक बार आप वन रखिए पावर में, अब जहाँ वेरिएबल लगाओ टू रखिए थ्री रखिए, यहाँ पर धीमे 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 करके एक्स की पावर एन पूरा पूरा एक्सपेंड कर दिया हमने, और एन पे तो समेशन लगा ही नहीं था। कहने का मतलब यहाँ कन्फ्यूजन से हट जाना है कि समेशन जो है इस वाले स्टेप पे है। अब देखिए जब हम लिमिट रखें तो वन प्लस वन प्लस वन, एन बार वन जोड़ेंगे तो एन बार वन जोड़ेंगे तो एन माइनस एन अपॉन वन माइनस वन जीरो अपॉन जीरो। ऐसे क्वेश्चन में वैसे कि हमेशा बताया जाता है कि डीएल हॉस्पिटल एक अच्छा तरीका नहीं है, पर ऐसे क्वेश्चंस के लिए डीएल हॉस्पिटल एक रामबाण है। डीएल हॉस्पिटल बताया गया था कि ऊपर का डिफरेंशिएशन अलग करेंगे और नीचे का डिफरेंशिएशन अलग करेंगे, जीरो अपॉन जीरो जहाँ पर भी हो, और इस तरीके के क्वेश्चंस अगर आए जहाँ फैक्टराइज नहीं कर सकते रैशनलाइज नहीं कर सकते, डीएल हॉस्पिटल सबसे अच्छा तरीका माना जाता है। वैसे डीएल हॉस्पिटल रूल हमेशा अप्लाई करना अच्छी बात नहीं है। सिंपल डिफरेंशिएशन कर दिया, आपको पता ही है कि कॉन्स्टेंट का जीरो डिफरेंशिएशन होता है, नीचे देखो x का वन हो गया ये जीरो हो गया, x की पावर n का डिफरेंशिएशन n x की पावर n माइनस वन, तो x का डिफरेंशिएशन वन, एक्स स्क्वायर का टू एक्स, एक्स क्यूब का थ्री एक्स स्क्वायर, ऐसे डिफरेंशिएशन होता चला गया। जब लिमिट अप्लाई करेंगे इन प्लेस ऑफ x आप रखेंगे तो वन प्लस टू और प्लस थ्री डॉट डॉट n, सम ऑफ n नेचुरल नंबर, सम ऑफ n नेचुरल नंबर, सम ऑफ n नेचुरल नंबर आपको पता होगा एन एन प्लस वन बाई टू, आंसर आ गया। नेक्स्ट क्वेश्चन भी ऐसे ही है। जेएनयू में क्वेश्चंस बहुत डरावने टाइप के आते हैं, मेरे टाइम पर 2008 जब हमने क्लियर किया है तो भी डरावने टाइप क्वेश्चंस थे, ठीक है। तो जेएनयू का पेपर आप देखते हैं तो आप बहुत डर जाएंगे, बट क्वेश्चन बहुत ही आसान होते हैं ये मैं कह सकता हूँ, और ये वाला क्वेश्चन ये प्रूव करेगा। देखिए देखेंगे हम लोग सोल्यूशन तो बहुत ईजी है, देखते हैं। तो कुछ स्टेप हमने यहाँ पे लिखे हैं बहुत ईजी स्टेप्स, वो लिखे हैं आगे वाले आपके सामने करेंगे। आपको पता है जैसे यहाँ दिख रहा है कि सारा यहाँ पर 1 माइनस एन स्क्वायर को एलसीएम ले सकते हैं, ऊपर हम लोग 1 प्लस टू प्लस थ्री डॉट डॉट सारे टर्म को जोड़ लिया, समेशन ऑफ n मतलब सम ऑफ n नेचुरल नंबर्स n n प्लस वन बाई टू, यहाँ पे ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। जब भी एनालिसिस करें तो फार्मूले और बहुत ही बेसिक बेसिक सी चीज़ें हम लोग यहाँ पे वर्बली डिस्क्राइब करेंगे, क्योंकि बहुत ज़्यादा डीप में जाएंगे तो एनालिसिस का फिर मतलब खत्म हो गया। तो थोड़ा सा आप भी प्रेजेंस ऑफ माइंड रखें, बेसिक बातों पर पकड़ने की कोशिश करें। तो यहाँ पर हमने ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर लगाया, वन माइनस एन और वन प्लस एन, देखिए वन प्लस एन और एन प्लस वन कट गया। आगे आपके सामने हम लोग आगे बढ़ रहे हैं, लिमिट एन टेंस टू इन्फिनिटी जैसा कि है एन अपॉन टू और वन माइनस एन। अब देखिए लिमिट रखेंगे तो इन्फिनिटी अपॉन इन्फिनिटी फॉर्म बन गया, वन ऑफ द इंटरटेनर फॉर्म। अब इस फॉर्म को हम जो इवेल्युएट करने के लिए ऊपर से एन और नीचे से एन कॉमन ले लेंगे, तो हमने कॉमन ले लिया वन अपॉन एन माइनस वन कट गया, वन अपॉन जीरो इन्फिनिटी जीरो हो गया, तो माइनस वन बाई टू, देखो कैसे यहाँ वन बचा है भाई, ये जीरो हो गया, ये माइनस वन बाई टू, माइनस वन बाई टू आंसर कहाँ पे है, बी ऑप्शंस भाई, कुछ भी नहीं है। जो हमने बात पहले बोली थी वो बात अभी याद होगी, तो लाइक देखने में बहुत टफ लगते हैं बट ऐसा है नहीं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हम लोग, 2008 में ये क्वेश्चन आया हुआ है, इसको देख लें ध्यान से। इन्वर्स जहाँ पे भी आता है, इन्वर्स फंक्शन आए लॉग आए, तो बच्चा बहुत ज़्यादा उन सारी चीज़ों को देखे बहुत हॉचपॉच हो जाता है, ऐसा कुछ नहीं है। देखते हैं इस क्वेश्चन को, सोल्यूशन देख लें। इंपॉर्टेंट पार्ट को हमने सामने आपके लिए है और कुछ पार्ट को जो आपके सामने बिल्कुल डिस्कस करेंगे जिससे कि आप सहज हो जान पाए सोल्यूशन को। देखिए ये हमने फार्मूला लिखा है लॉग ऑफ एम अपॉन एन, लॉग ऑफ एम बेस ए, लॉग ऑफ एन बेस ए, ये फार्मूला बेसिक सा है इसलिए रिपीट कर दिया कि आप लॉग में अगर अनकंफर्टेबल हो तो ये फार्मूले लॉग ए बेस ए वन होता है। तो यहाँ पर भी लॉग ऑफ एक्स अपॉन थ्री, तो यही लगाया लॉग ऑफ एम अपॉन एन, तो लॉग ऑफ एक्स बेस थ्री और लॉग ऑफ थ्री बेस थ्री,
इसको आगे यहाँ पे दिखाया है, इस स्टेप के बाद ये दिखाइए फार्मूले हमारे, ये बेसिक से क्या है फार्मूले इनका, यहाँ पे कोई स्टेप से इससे मतलब नहीं है, बस यहाँ पर ये स्टेप यहाँ पे आ गया, ठीक है। तो log 3, log 3 बेस 3, log a बेस 1 होता है, तो log 3 बेस 3 1 हो गया। अब यहाँ पे देखिए हमने लिमिट अप्लाई, जैसे ये स्टेप में लिमिट अप्लाई कर रहे हैं, सामने आपको दिखा रहे हैं, या ऐसा क्यों हो रहा है कि log ऑफ 1 बेस a कुछ भी हो 0 होता है, क्या होता है, और लिमिट, लिमिट को इवैल्यूएट तब करते हैं जब इंडिटर फॉर्म में हो। अभी देखो 0 हो जाएगा, क्या हो जाएगा, 0, 0 माइनस 1, माइनस 1 हो गया। अब केवल देखिए उस ब्रैकेट में ध्यान दीजिए, साइन इनवर्स माइनस 1 आ गया, तो लिमिट आप रख सकते हैं, लिमिट तब तक रख नहीं सकते जब तक ये सात फॉर्म जो आपको पता है 0/0, इन्फिनिटी अपॉन इन्फिनिटी, इन्फिनिटी माइनस इन्फिनिटी, 0 × इन्फिनिटी, 1 की पावर इन्फिनिटी, 0 की पावर 0, इन्फिनिटी की पावर 0, कहने का मतलब सात इंडिटर फॉर्म आपको भी याद होनी चाहिए, ये बार बार मैंने रिवाइज किया है, इसका मतलब आपको फिंगर्स में होनी चाहिए, वो ये कोई भी फॉर्म नहीं बन रही, इसका मतलब है कि आप लिमिट अप्लाई कर सकते हैं, और इसकी वैल्यू क्या होगी, माइनस साइन इनवर्स 1, और क्या हो जाएगा, माइनस पाई बाई 2, आंसर क्या आ गया, माइनस पाई बाई 2, आंसर ये सही है। 2008 के निमसेट के लिमिट में, निमसेट नहीं है, निमसेट का इतने बार हमने किया है, इतने बार पिछले साल भी और निमसेट के एनालिसिस की और इस बार भी कर रहे हैं, तो जब भी पेपर के आती तो एक निमसेट की फीलिंग आ जाती है, बट वो बच्चे बिल्कुल मायूस ना हो जो निमसेट नाम के वर्ड से चिढ़ते हैं, चिढ़ने का मतलब है कि मेरे साथ भी आप जब भी आपको ऐसा लगे कि मेरे परसेंटेज कम है, आपको लगता है कि हम निमसेट नहीं दे सकते हैं, तो आपके सामने ये बंदा खड़ा हुआ है, मेरा भी निमसेट नहीं हुआ करता था, जीनू में सिलेक्शन ही फाड़ दिया है, ये बात मैं यहाँ बोल रहा हूँ, ठीक है, और एक ही दो यूनिवर्सिटी मेरे पास थी तो मैंने सिलेक्शन श्योरली लिया, और ऐसे ही अगर आपका आपके पास निमसेट नहीं है, एमसी की तैयारी कर रहे हैं, बिल्कुल भी रत्ती भर आप डाउट में ना रहें, मेरे जैसे आप पढ़ाई करिए, तैयारी करिए, और एग्ज़ाम निकालने फाड़ दीजिए। तो JNU हम लोग डिस्कस कर रहे हैं, और JNU से किया है तो मेरा मन है कि JNU में दमदार सिलेक्शन हो। चलिए आज की बात यहीं तक, और बहुत सारा प्यार, थैंक यू बच्चों।